नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 11। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मैथ में कमज़ोर हैं तो आप सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन क्लास देखिए, उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और उस तरह करते करते आप सभी पार्ट्स को देखिए। आपको हर चीज़ मैंने बहुत बारीकी से बताया है, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको कोई चीज़ कहना हो तो आप मुझे YouTube कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मैं आपकी हर बात, हर सजेशन को ध्यान में रखते हुए अपने चैनल पे वो काम करूँगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और मैं कहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद पड़ता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक जो बच्चे हैं जिनको पैसे नहीं हैं और वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो कामगार ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए गए। यदि ए अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते हैं 8 घंटे अधिक लगते हैं। यदि बी अकेला काम करता तो उसे उस समय से जिसमें ए बी मिलकर काम करते हैं 2 घंटा अधिक समय लगता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? ध्यान दीजिएगा, दो कामगार हैं ए और बी, किसी काम के लिए लगाए गए। यदि ए अकेला जो है उस काम को करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए और बी मिलकर काम करते हैं 8 घंटा समय अधिक लगता है। यदि बी अकेला उस काम को करता है तो उसे उस समय से ए तथा बी जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते हैं 2 घंटा अधिक समय लगता है। दोनों मिलकर उस काम को कितना समय में करेंगे? देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी मिलकर किसी काम के लिए लगाए गए, दो कामगार ए और बी किसी काम के लिए लगाए गए। तो यहाँ पे देखिए, ए बी किसी काम के लिए लगाए गए और मान लीजिए कि ए बी एक्स घंटा में उस काम को पूरा करते हैं, एक्स घंटा में उस काम को पूरा करते हैं। अब कह रहा है कि यदि ए अकेला काम करता तो उसे उस समय से जितना समय में ए बी मिलकर किया उस समय से 8 घंटा अधिक लगता है। यानी कितना? एक से समय से 8 घंटा अधिक ए को लगता है। जितना ये दोनों मिलकर एक घंटा में काम किया उससे 8 घंटा अधिक ए को लगता है यदि एक अकेले काम करेगा तो कहने का मतलब कि एक्स प्लस 8 घंटा होगा। उसके बाद कह रहा है कि यदि बी अकेला काम करता तो उसे उस समय से जिसमें ए बी मिलकर काम करते हैं 2 घंटा अधिक लगता है। यानी ए बी एक्स घंटा में यदि काम करता है तो सी बी अकेला अगर उस काम को करता तो वह उस समय से 2 घंटा अधिक समय लेते हैं, यानी एक्स प्लस 2 घंटा लेता। अब यहाँ देखिएगा, तो ए और बी का जो समय है तो वो एक्स घंटा है, तो यानी कि 1 घंटा में वह कितना कार्य करेंगे दोनों मिलकर? 1/x भाग। 1 घंटा में ए बी मिलकर कितना भाग काम करेंगे? वह 1/x भाग काम करेंगे। लेकिन यदि ए और बी को अलग अलग काम करना पड़े तो अगर ए का भाग 1 घंटा में पूछे तो 1/x+8 भाग, और बी अगर काम करे वही तो आपको 1/x+2 भाग काम 1 घंटा में करेंगे। बात समझ रहे हैं? मैंने आपको प्रीवियस बेसिक में भी बता दिया है कि अगर डे दिया हुआ है और उसको आप उलट दीजिएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा। डे दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, अगर उलट दीजिएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा। तो यही यहाँ पे है, डे मतलब घंटा भी हो सकता है, सप्ताह भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ घंटा में है, उसको मैंने उलट दिया तो भाग में चेंज हो गया। यानी अलग अलग यदि दोनों काम करते हैं तो आपका भाग हो गया ये, और अगर एक साथ काम करते हैं ये भी तो इसका भाग हो गया ये। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस 2 का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा एक्स का मान 4। तो आप तो ये समझ ही गए होंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन है। तो इस तरह से आपको कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, तो 4 घंटे में दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर देंगे, यानी ए बी। तो देखिए, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से नहीं बनाना है। एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आपको इसका एक ट्रिक है कि रूट मोर गुने मोर। तो मोर माने क्या? यहाँ
कह रहा है कि दो कामगार ए भी किसी काम के लिए लगाए गए, यदि ये अकेला काम करता है तो उसे उस समय जिसमें ए और बी मिलकर काम करते हैं 8 घंटा अधिक समय लगता है। तो 8 घंटा अधिक यानी मोर हो गया 8। यदि बी अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए बी मिलकर काम करते हैं तो 2 घंटा अधिक समय लगता है यानी मोर 2 घंटा। दोनों मिलकर उस काम को कितना समय में करेंगे? तो ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो इसको बनाने के लिए आपको रूट मोर इंटू मोर कर दीजिए, यानी 2 × 8 कर दीजिए, 8 × 16, 16 का रूट होगा आपको 4 घंटा, यानी 4 घंटा में दोनों मिलकर उस काम को कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का लास्ट वीडियो था। अब इसके बाद यदि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड या किसी सेट से क्वेश्चन अगर मुझे मिलेगा तो मैं एक वीडियो बना करके इसमें डाल दिया करूँगा और ये चलता रहेगा हमेशा। तो इस तरह से टाइम एंड वर्क आपका ख़त्म हो चुका है, और अगर आपको टाइम एंड वर्क अच्छे से सीखना है तो आप सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन क्लास देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से करके देखिएगा। आपको सबसे पहले मैंने इजी क्वेश्चंस कराए हैं और उसके बाद मैंने आपको हार्ड क्वेश्चन कराए हैं, यानी कि लेवल धीरे धीरे बढ़ते गया है। तो मैंने हर तरह के क्वेश्चन कराए हैं, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो क्वेश्चन आप छोड़े ना, और वो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप करके आएँ, आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए, ताकि क्या करना है उस क्वेश्चन के साथ आपको ये बात समझ में आए। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी होंगी। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकॉन मिलता है, उस आइकॉन को भी आप दबा दें। आइकॉन को अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर का ये वीडियो है। आप उस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। और जो भी बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम है मैथ्स, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है मैथ्स, और मैथ्स के कारण ही कोई कंपटीशन क्रैक नहीं हो पाता है, क्योंकि मैथ जो होता है मेरिट बनाता है। अब मैथ अगर आपका कमज़ोर है तो आपको कोचिंग करना भी ज़रूरी है, तो कोचिंग के लिए तो पैसे लगते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको फ्री में ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठाएँ, तो इसीलिए आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, जितने भी सोशल नेटवर्क हैं जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे बच्चों को फ़ायदा हो सकता है, तो आप बिल्कुल उसको शेयर कीजिए। और आपकी इस जो भी आपका फीडबैक हो वो ज़रूर मुझे बताइए कि क्या मुझे सुधार करना चाहिए या क्या मुझे और करना चाहिए, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके। चलिए, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।